तो गाइज आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला होगा कि यदि आप भी व्हाट्सअप आईडी बनाते हैं और गाइज आपके व्हाट्सअप आईडी में यदि गाइज आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा है तो गाइज आप इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे कर सकते हैं। तो गाइज अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइज बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करके ऑल पर सेट कर लेना जिससे कि गाइज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल रही। तो गाइज वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गाइज आपको अपने व्हाट्सअप पर एक लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर ऐप इन्फो वाला ऑप्शन शो करेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करते गाइज हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो करेगा। तो यहाँ पर गाइज आपको ऐप परमिशंस वाला एक ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए गाइज आपको जो जो मैं परमिशंस बोल रहा हूँ उन परमिशंस को गाइज आपको यहाँ पर एलो कर लेना है। फर्स्ट तो है गाइज SMS वाली परमिशन, इसे गाइज आपको यहाँ पर एलो कर लेना है। एलो करने के बाद आपको यहाँ पर माइक्रोफोन वाली परमिशन है उसे गाइज आपको यहाँ पर एलो करना है। और यहाँ पर गाइज आपको टेलीफोन वाली भी परमिशन शो कर रही है, इसे भी गाइज आपको यहाँ पर एलो करना है। लगभग आप हो सके तो सभी परमिशन को एलो कर लेना है, नहीं तो गाइज आपको इन तीन परमिशन को तो यहाँ पर एलो करना ही है। एलो करने के बाद आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो यहाँ पर लगभग सॉल्व हो जाएगी। यदि गाइज फिर भी गाइज आपकी जो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो गाइज आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि गाइज कहीं गाइज आपके जो व्हाट्सअप में जो नंबर है वो आपका चेंज तो नहीं हो गया या फिर गाइज आपने कोई गलत नंबर तो नहीं डाल दिया है, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यदि गाइज आपके कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम भी है तो गाइज आपको एक बार नंबर चेंज करके भी देख लेना है। तो यहाँ पर गाइज मैं यहाँ पर देखिए गाइज व्हाट्सअप को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं आपको लाइव बता देता हूँ कि गाइज हमारा जो व्हाट्सअप है उस पर OTP आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर गाइज मैं यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। फिर गाइज आपको यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर गाइज आपको अपना जो मोबाइल नंबर है आपको वो एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे गाइज आप यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो करेगा, तो यहाँ पर ओके कर लेना है। जैसे गाइज आप यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर गाइज हमें एक कोड रिसीव होगा और ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा कोड जो है वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो गया है। वेरीफाई होने के बाद आपको यहाँ पर अपना जो यहाँ पर गाइस आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड जो है उसे आपको यहाँ पर एंटर कर लेना होता है। तो यहाँ पर गाइस मैंने टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड एंटर कर लिया है। एंटर करते ही गाइस हमारा जो वेरिफिकेशन है कंप्लीट हो जाएगा। फिर गाइस आपको यहाँ पर कुछ परमिशन मांगेगा जिन्हें गाइस आपको यहाँ पर एलो कर लेना है। तो यहाँ पर गाइस मैंने उन परमिशंस को एलो कर लिया। एलो करने के बाद आपको यहाँ पर अपना जो पैटर्न लॉक है उसे एंटर कर लेना है। यदि गाइस अपना जो डेटा है उसे गाइस आप रिस्टोर करना चाहते हो तो रिस्टोर कर सकते हैं, नहीं तो गाइस आपको इसकी स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस मैं रिस्टोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने सभी डेटा को यहाँ पर रिस्टोर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर गाइस कुछ टाइम लिए वेट करना है। फिर गाइस आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर उससे गाइस पैटर्न लॉक पूछेगा, पैटर्न लॉक एंटर कर लेना है। फिर गाइस आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर गाइस कुछ टाइम लिए वेट करना है ना। फिर गाइस आपका जो व्हाट्सअप है जो पहले जैसा था वैसा का वैसा आपका जो व्हाट्सअप है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो कुछ टाइम लिए गाइस आपको यहाँ पर वेट कर लेना है। तो यहाँ पर इंटीलाइजिंग हो रहा है, मीन्स गाइस कुछ जो यहाँ पर प्रोसेस है उसे यहाँ पर कंप्लीट होने में कुछ टाइम लगता है गाइस। तो यहाँ पर कुछ टाइम लिए वेट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए गाइस हमारा जो प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फिर गाइस आपको यहाँ पर इनमें से गाइस आपको यहाँ पर नेवर सेलेक्ट करना है और डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर गाइस आपको अपना टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड जो है उसे आपको यहाँ पर फिर से एंटर कर लेना होता है। तो यहाँ पर गाइस मैं यहाँ पर अपना जो टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड है उसे यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। एंटर करते ही गाइस आपका देखिए गाइस आपका जो व्हाट्सअप है वो पहले के जैसे ओपन हो गया है गाइस। तो इस तरह से गाइस यदि गाइस आपको भी व्हाट्सअप पर OTP नहीं आ रहा है तो गाइस कुछ इस टाइप से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं गाइस। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो चलोगे और वीडियो चलो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए गाइस ताकि गाइस वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला रहेगी। थैंक यू गाइस।